बात करते हैं सुहागपुर की, जहां पर किसानों ने SH-12 पर चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें, मंडी में मजदूर और किसानों के बीच मारपीट हुई। मूंग की तुलाई ना होने की वजह से किसान नाराज थे और आक्रोशित किसानों ने SH-12 पर चक्का जाम कर दिया। स्टेट हाईवे 12 पर यहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। मंडी में जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी, विवाद के बाद मारपीट हुई किसानों और मजदूरों के बीच, और इसी से आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम कर दिया। पवन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, यहाँ पर क्या वजह रही थी मारपीट की, उसके बाद किसानों ने जोरदार हंगामा किया? मतलब सुहागपुर में सुबह से ही हंगामा चल रहा था, किसानों में आक्रोश था कि उनकी मूंग की तुलाई नहीं हो पा रही है समय पर, और बार बार किसी न किसी कारण से तुलाई बंद हो जाती थी, और जब तुलाई चालू हुई तो जो सर्वेयर यहाँ के, उन्होंने कई ढेरों को रिजेक्ट कर दिया, जिससे किसानों को आक्रोश बढ़ गया। उनका ये कहना था कि हम जब खन्ना लगाकर और साफ करके मूंग लेकर आए हैं तो तुलाई क्यों नहीं की जा रही है, सर्वे जानबूझ कर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। इस बीच जब हम्मालों और किसानों में झड़प हुई तो उन्होंने हम्मालों ने काम बंद कर दिया, तुलाई बंद कर दी, इससे किसान और आक्रोशित हो गए और सड़कों पर आकर उन्होंने चक्का जाम कर दिया, SH-12 पर जाम लगा दिया। और अधिकारियों ने काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन किसान मानने तैयार है। किसानों का कहना है कि हमारी मूंग की तुलाई करी जाए और जो रिजेक्ट ढेरों को रिजेक्ट किया गया मूंग के ढेरों को, उनकी तुलाई भी की जाए और सर्वे को हटाया जाए। मतलब बहुत शुक्रिया पवन तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर जो विवाद की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद आक्रोशित किसानों ने SH-12 पर चक्का जाम कर दिया। बहुत गलत है ये, साफ करने में निवेदन ये, चालू करो।